दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। 17 अक्टूबर 2023 भिवानी हरियाणा चारा मंडी में, अरे चारे के और सूखे चारे के भाव बतावांगे भाई। अरे पराल किसानी भी आओ भाई, पराल किसानी के भी भाव बतावांगे भाई। तो भाई तूड़ी में थ्रेसर की तूड़ी, रेपर की तूड़ी और पराल किसानी भाई। तो पराल किसानी आली भी आवे है, और भाई जो सफ़ेद हो, बढ़िया क्वालिटी हो भाई, सूखी हो, तो भाई उसके रेट अलग है, और भाई आली हो उसके रेट कम से। तो भाई आपने बता दें भाई, ईख आ रही है अरे चारा में, और मक्का आ रही है, ज्वार है, बाजर है, नेपियर घास है भाई। तो साथियों आपने बता दें भाई, सबसे पहले बोली लाग है तूड़ी की और पराली की 7 बजे, और अरे चारा की बोली लाग है 8:30 बजे भाई। तो भाई जिसा माल उसे पीछे, बाहर रोज रोज के हों भाई, घट दे रहे हैं और बढ़ दे रहे हैं भाई, ये कोई फिक्स को नहीं के भाई आज बता दिए तो कल भी ये बारेंगे। साधन आन पर बात हो है, अरगा का बात हो भाई, कितने गाह का हुए हैं और कितना के है भाई माल। तो अरे चारा का उसाल में भी जा है भाई, डेयरी पर भी जा है, अरे गंडा शड़ा पर भी जा है, जो बेचनी हो भाई उन पर भी। तो देखो जो थोड़ा माल हो और बढ़िया माल हो उसके भाई 50-40 रुपये फालतू लाग जाए हैं भाई, क्यों थोड़े लेनिए भी ज़्यादा पावे हैं। जो 8-10 भैंस रखे हैं भाई, वह थोड़ा माल लेनी हुए हैं तो भाई वह 50-100 रुपये फालतू लगा दे हैं भाई, कि माल के 50-60 रुपये। तो भाई सबसे पहला बता दें तूड़ी के बाज़ार, जो तूड़ी के बढ़िया तूड़ी के बाज़ार हैं भाई, 800-850 के रेपर की तूड़ी, और जो थ्रेसर की तूड़ी है भाई वह 950 के आसपास बेकन लाग रही है थ्रेसर की भाई। ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए भाई, ये ज़रूरी को नहीं। और तो भाई जी सा माल उसे पीछे भाई 600 भी चली जा, 500 भी चली जा। और ये पराल किसानी है, ये भाई 450-450 रुपये लाग गए भाई इसके। ये गई है भाई पराल किसानी जो आ रही थी, बढ़िया धोली थी और सूखी थी, जमा 595 रुपये गई है भाई। तो भाई ये दिखा दें भाई, मौसम का मिजाज बता दें एक बार। तो भाई बादलवाई हो रही है भाई, बारिश बुरिश में को नहीं हुई, चादर भी बूंद हुई थी बस। तो कई जगह तो कई किसान साथियाँ ही मैसेज आ रहे थे भाई, खूब बारिश हुई है तगड़ी। तो अरे चारा भाई लगभग फिलहाल 25-1 साधन आ रहे भाई, अरे चारा के ईख के भी आ रहे हैं भाई, 4-5 साधन ईख के भी आ रहे हैं। और आज देखो भाई माल फिलहाल कमे है, और ये दिखा दें कि बाप ने साधन, आज साधन थोड़े हैं भाई। 8:30 बजे बोली शुरू होगी भाई, अब देखांगे के कुछ बिकेगा। ये भाई बाजरा सेटी चुंडोड़ा 220 रुपये गया भाई, ये भाई जवार 440 भी गई है भाई, के बा गया नेपियर घास 310 रुपये गया भाई नेपियर घास भाई। यो ईंक थोड़ा है भाई और बढ़िया ईंक से, जमा कच्चा गोला है, 350 रुपये गया भाई। तो भाई ये ज़रूरी को नहीं कि वे सारे 350 रुपये जा भाई, तो 250 तो 350 भाई के रेट चल रहे हैं। और भाई और तो जिसा माल उसे पीछे के बरा 200 रुपये चले आ जा भाई। ये भाई आपने बता दें जो सूखी जवार हलामणी आ रही है वह 250 रुपये के आसपास जान लाग रही है भाई, जो बढ़िया कच्ची जवार है वह 400-450 के आसपास जान लाग रही है भाई। और भाई 440 भी गई थी, कोई ऊपर ऊपर भी चली गई भाई। मक्का की बात करें तो मक्का है भाई नू लगा ले 300 तो लेगी, 400 रुपये थी के बाज़ार चल रहे मक्का के। नेपियर घास भाई 250 तो लेगी, 300 रुपये चल रहा है। और भाई ईंक की बात करें तो भाई ईंक 200 रुपये तो लेगी, और 300 रुपये का बाज़ार चल रहा है भाई ईंक का। एक 350 है भाई जिसा माल उसे पीछे, 350 रुपये भी गया है भाई ईंक। और भाई देखो किसी चीज़ के कोई फिक्स नहीं होता, माल देखा जा भाई, माल माल के पीछे हुए हैं, जिसा माल उसे पीछे।
राम राम भाई। भाई मक्का 385 भी गई है और 400 रुपये भी गए। राम राम भाई, क्या आ गई 415 रुपये भाई। तो साथियों भाई आज अरे चरम तेजी है, माल थोड़ा आ रहा है और तुड़ी के भाई वह फिर बता दें। हाँ भाई, पहले पराली की बता दें, पराली भाई 600 का बढ़िया पराली, 600 का 550-600 का आसपास, और भाई हल्की पराली 400-425 का आसपास। भाई जो थोड़ी आली शिल्ली है भाई, जिसका रंग पीला हो रहा है, उसके रेट कम है भाई। अरे चारा में मक्का भाई 400-425, और रेप जो रेपर की तूड़ी है भाई वह 800-850 के बाजार चल रहे हैं, और जो थ्रेसर की तूड़ी है भाई वह 950 के आसपास। वह ऊपर नीचे भी चली जा थोड़ी बहुत, कोई फिक्स नहीं होते बा जिसा माड़ू से पीछे। तो साथियों ये थे भिवानी सब्जी मंडी चारा मंडी में रहा चारा के और सूखा चारा के भाव। तो अपनी वीडियो कैसी लगी ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल ने सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना भाई। नमस्कार।